जिसके पास में स्कंद पुराण हो तो पढ़ना। स्कंद पुराण का कौमार्य खंड और 126 नंबर का प्रश्न गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण को पढ़ना और उसका 126 नंबर का पेज निकालना, 126 नंबर का प्रश्न निकालिए कौमार्य खंड का, उसमें नारी विधवा होकर ना मरे, सौभाग्यवती होकर जाए, उसकी 8 चीजों का दान वर्णन किया है। और ये कथा हमने स्कंद पुराण जो मुंबई अंधेरी की हुई थी अधिक मास में पहले, तो उसमें वर्णन किया था 8 चीजें। चैत्र के महीने में कोई तिथि है, उसमें शायद तीज या ऐसी कोई तिथि आती है, वो ध्यान में आएगी तो अवश्य बताएंगे। 8 चीजें ऐसी है जो नारी तुला दान कर बिना नमक का भोजन कर दान दे देती है तो कभी बेदव्य होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है, अखंड सौभाग्य। कल कथा में उसका व्याख्यान लेंगे अगर ध्यान में आ गया तो। महाराज, जिस समय तुमरुका जी का प्रबल भाव देखो, देवऋषि नारद गले की माला पहनकर प्रसन्न हो रहे हैं और तुमरुका जी जिस चंचुला देवी का पति मर चुका है उसको शिव महापुराण सुनाकर प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है, इसका पति मर भी गया है तो शंकर कथा सुन रहे हैं, इसको अखंड सौभाग्यवती बना ही देंगे। कथा में कहा था, पार्वती जी ने कहा था दक्षिणा दीजिए, शिव महापुराण की दक्षिणा दो, तुमरुका जी ने कथा सुनाई। शंकर जी को लगा कि चंचुला देवी को दक्षिणा देना तो कदी अखंड सौभाग्यवती भाव, तो पार्वती जी कहती है तो विधवा थी, वैधव्य थी, उसी के चक्कर में तो अपने को कथा में बिठाया जजमान बनाकर, और आप कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भाव। भगवान कह रहे हैं मैंने थोड़ी ना कलवाया, तू पास में बैठ के तू ही तो बोली थी दक्षिणा दो। तो पार्वती जी बोली मैंने तो कहा था तुमरुका जी को दक्षिणा दो, तो क्यों तूने नाम कहा बताया कि तुमरुका जी को, तो तूने बोला दक्षिणा दो, मैं समझा कि जिसने कथा करा भाई उसको दो, मुझे क्या मालूम था कि तुमरुका जी को देना है, मैंने तो सोचा जो कथा करवा रही उसको देना है इसलिए मैंने उसको दे दिया। अरे वाह, विधवा है, बेधव्य है और तुम आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती होने का, कहां से होगा? शंकर भगवान बोल रहे चिंता मत कर, कथा सुनकर उठेगी और मांग में सिंदूर भरा जाएगा, क्यों चिंता करती है? शिव महापुराण है, बेधव्य नारी भी अगर करवाती है श्रवण करती है दूसरा जन्म बेधव्य का नहीं पाती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती है। अगर कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुन लेती है उत्तम घर उत्तम वर प्राप्त करती है, उत्तम घर उत्तम वर प्राप्त होता। कोई पुरुष कथा को सुनता है उत्तम फल को पा लेता है, बच्चे शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं मनवांछित फल की कामना होती है। भिकारी से भिकारी दर दर भटकने वाला भी अगर एक बार शंकर की कथा को दिल से हृदय से चित्त से भाव। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव।